वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। ऑनलाइन कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ईएचएस मींस, ईएचएस का मतलब, ईएचएस का प्रोसीजर, यह कौन करता है, क्या इनकी ड्यूटी है, क्या इनका रोल है, यह सारी चीजें सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ईएचएस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं इस सारे टॉपिक पे बात करूंगा, इसके सभी नेचर, इसके हर एक पहलू के बारे में बात करूंगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्विज है। क्या आप जानते हैं डायस्टर मैनेजमेंट के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है? क्या आपको मालूम है कि डायस्टर मैनेजमेंट में वह कौन सी सैटेलाइट है जिसका उपयोग किया जाता है? इसी वीडियो में इसका जवाब दूंगा। अब शुरू करते हैं, व्हाट इज ईएचएस, ईएचएस क्या है? तो अगर हम बात करें ईएचएस के बारे में, तो यहाँ पे तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, पहला ई, दूसरा एच और तीसरा एस। ई का मतलब क्या होगा? एनवायरनमेंट, एच का मतलब हेल्थ और एस का मतलब सेफ्टी हो सकता है। ईएचएस का मतलब क्या है, जरा इस समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ईएचएस के मतलब के बारे में, यानी इसके अर्थ के बारे में अगर बात किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा और सुरक्षा, ईएचएस जो संबंधित है किससे, पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। पर्यावरण हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया है, और अनुपालन के संदर्भ में ईएचएस का ई अर्थात ये ई उन नियमों को इंगित करता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ईएचएस में ई का जो इंपॉर्टेंस है, यह इंडिकेट करता है इसके लिए जो भी रूल बनाया गया, जो भी कानून बनाया गया, वह स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके पास, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ईएचएस का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएचएस, या व्हाट इज ईएचएस, या ईएचएस में ई का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो ई, जैसे ईएचएस इसमें तीन लेटर है, तो पहला ई का जो अर्थ होता है वह ये इंडिकेट करता है कि इसके लिए जो कुछ भी बनाया गया है, चाहे लॉ हो, रूल हो, या इसके रख रखाव, जो कुछ भी, वह किसके लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वह किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट इट मींस वातावरण से रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास होगा, ईएचएस अधिकारी क्या है, ईएचएस ऑफिसर, व्हाट इज ईएचएस ऑफिसर। सो इसका जवाब कुछ इस तरीके से होगा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी व्यावसायिक और पर्यावरण कानूनों और विनियमों के अनुपालन करने वाले संगठन के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है, ईएचएस ऑफिसर होता है। उसे ही ईएचएस सेफ्टी ऑफिसर भी कहा जाता है, ईएचएस ऑफिसर भी कहा जाता है। यानी ईएचएस किससे जुड़ा रहता है, हमारे पर्यावरण से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, ईएचएस प्रक्रिया क्या है, What is the procedure of EHS? वह क्या है? तो इसका कुछ जवाब इस तरीके से होगा, EHS का अर्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। कई कंपनियों के लिए उनकी प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा EHS प्रबंधन है, जिसका अर्थ है श्रमिकों और उनके परिवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं का संहिताकरण और अभ्यास करना। यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, उसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और सभी तरह की नुकसान से बचाने के लिए एक ईएचएस प्रोसीजर होता है। वह इन सभी को मिलाने के बाद, इन सभी कार्यों को ले करने के बाद, हम कह सकते हैं ये क्या है, दीज आर ईएचएस प्रोसीजर। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, ईएचएस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें वातावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी ख्याल रखा जाता है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए रूल्स और नियम नेशनल स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया अर्थात इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट ही ईएचएस प्रोसीजर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ईएचएस के बारे में छोटी सी जानकारी है, बहुत छोटी सी जानकारी, बट बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। आई होप कि इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। शुरू में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी चाहिए और उसका सही जवाब आपको जानकारी लेना है,
तो मैं उसका जवाब बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि डायस्टर मैनेजमेंट के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पूरा जवाब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप जाएं, क्लिक करिए उस वीडियो पे और पूरा डिटेल देखिए और जानिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, पुनः हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ जो आपको और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।